आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, वेल्कम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा हेयर ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूं आपके साथ, जिसको अगर आप वीक में एक बार अपने बालों पर फॉलो करते हो तो आपके बालों में नेचुरल शाइन आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल शाइन का मतलब है कि वो परमानेंट रहेगी और कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा अगर आप वीडियो में बताई हुई चीजों के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगर आप अपनी मर्जी करते हैं बीच में दोस्तों, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको आप कॉमेंट करके मुझे बोलते हो तो उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेती। दोस्तों, जिस तरह से मैं वीडियो में बताती हूँ उनसे चीज को अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपको जरूर जरूर बेनिफिट होगा। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा डल हो गए हैं, बालों में शाइन रही रही है, बहुत ज्यादा फ्रीजी हो गए हैं, बहुत ज्यादा बालों का टेक्सचर जो है हार्ड हो गया, यानी कि कुछ लोग अपने बालों पर हाथ लगाते हैं तो बाल बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं, ऐसे चुभते हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है ये हेयर ट्रीटमेंट जो है सॉल्व कर देगा। बालों में शाइन लाएगा, आपके बालों को स्मूथ बना देगा, एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट से बन जाएंगे आपके और शाइन भी बहुत ज्यादा आ जाएगी। और साथ साथ ये जो इंग्रेडिएंट इस वीडियो के अंदर मैंने लिए हैं इस ट्रीटमेंट को बनाने के लिए, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव हैं कि वो आपके हेयर लेंथ को भी प्रमोट करेंगे। तो बहुत होगी बात, फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे हमने इसको बनाना है और कैसे अपने हेयर्स पर अप्लाई करना है। बालों में नेचुरल तरीके से शाइन लाने के लिए एलोवेरा इज द बेस्ट ऑप्शन गाइज। यहाँ मैंने फ्रेश एलोवेरा लीफ ली है और बहुत अच्छी होती है ये हमारे हेयर्स के लिए। मैं सबसे पहले इसका जेल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। इस तरह से साइड पोर्शन कट कर देना है और बीच में से सारा जेल हमने निकाल लेना है। एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है और अब मैं जो है इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से जेल हमारा रेडी हो जाए इस हेयर ट्रीटमेंट को बनाने के लिए। ये एलोवेरा जेल को ब्लेंडर में डालकर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप कोई और एलोवेरा जेल यानी कि रेडीमेड एलोवेरा जेल ले सकते हैं, चाहे वो पतंजलि का हो, चाहे वो वॉव का हो या कोई और हो, कोई भी एलोवेरा जेल आप ले सकते हो। मुझे फ्रेश एलोवेरा लेना पसंद है क्योंकि बालों पर फ्रेश लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाल एकदम से सिल्की सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को डाल रही हूँ वो है अरोमा मैजिक कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये बहुत ही बेस्ट है हमारे हेयर्स के लिए, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है ये, साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो हेयर लेंथ हो, हेयर फॉल हो, ये सारी प्रॉब्लम का ये एक सॉल्यूशन है। जो भी हम हेयर ट्रीटमेंट बनाते हैं, हेयर मास्क बनाते हैं, उसके अंदर अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हेयर्स जो हैं वो एकदम से शाइनी भी हो जाते हैं और साथ साथ हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आता है। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर पूरी डिटेल दी हुई है कि ये कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। किसी भी तरह का पेन है, अर्थराइटिस का पेन है, जॉइंट पेन है, तो उस पेन में भी ये बहुत ज़्यादा असरदार माना जाता है क्योंकि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो इस ऑयल को आप अपने पाम पर लेकर अच्छे से वहाँ घुटनों पर मसाज कीजिए। मसाज करने से वो पेन जो है वो गायब हो जाता है। ये आपके स्कैल्प को भी नॉरिश करता है। अगर आप इससे अपने बालों की मसाज करते हैं, स्कैल्प पर अच्छे से लगाकर मसाज करते हैं तो आपके बाल एकदम से नॉरिश हो जाते हैं और एकदम से सॉफ्ट भी हो जाते हैं, शाइन भी आ जाती है बालों में। स्कैल्प मसाज तो आप जानते ही हो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बालों के लिए। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको जो है इस हेयर ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बालों में शाइन भी लाता है और बालों की लंबाई को भी बढ़ाता है। purple.com से मैंने इसको ऑर्डर करके मंगवाया है। purple.com पर आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता ही रहता है ब्रांड्स पर, तो इसलिए मैंने वहाँ से इसको ऑर्डर करके मंगवाया है। इसका ये जो प्राइस है और कैसे मुझे ये कितने में मिला है, ये सब जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, साथ में आप इसकी प्राइस भी चेक कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल को मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब इसके अंदर डाल रही हूँ
और डालकर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हेयर ट्रीटमेंट जो है ये बालों में शाइन लाएगा और जैसे भी आपके फ्रीजी हेयर्स हैं तो उनको भी एकदम से स्मूथ बनाएगा, शाइनी बनाएगा, ग्लोसी बनाएगा। एलोवेरा जेल जो होता है ये बालों को एकदम से स्ट्रेट भी करता है, शाइन भी लाता है। जब भी आप कोई भी एलोवेरा का हेयर मास्क अपने बालों में अप्लाई करते हैं और जब हेड वॉश करते हैं तो आपको खुद रिजल्ट दिखाई देता है कि बाल एकदम से इतने शाइनी शाइनी से हो गए हैं और एकदम से सिल्की सॉफ्ट हाथों से फिसलने लगते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं तो हमेशा जो है एलोवेरा का इस्तेमाल अपने बालों में करती ही रहती हूँ, चाहे 15 दिन में करूँ या महीने में एक बार करूँ या हफ्ते में करूँ, जैसे ही जब भी मेरा मूड बन जाता है तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है, तो मैं इसको ही बालों में अप्लाई करती हूँ तो बाल जो है एकदम से सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाते हैं। तो अब मैं इसको फटाफट से अपने हेयर्स पर अप्लाई कर देती हूँ। किसी भी हेयर मास्क को जब हम बनाते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने उसको कैसे अपने बालों पर लगाना है। सो फ्रेंड्स, जब भी आपने इस हेयर मास्क को अपने बालों पर लगाना होगा तो अपने बालों में अच्छे से सबसे पहले कॉम कर लीजिए, कॉम करके अपने बाल सुलझा लीजिए और कॉम के साथ एकदम से सीधे कर लीजिए बाल। अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट रखना चाहते हैं, सुंदर दिखाना चाहते हैं तो अपनी कॉम के साथ अपने बालों को सीधा करते जाइए और इस हेयर मास्क को किसी ब्रश या फिर फिंगर्स की हेल्प से अपने पूरे बालों पर लगाते चले जाइए। बालों के रूट से लेके बालों की लेंथ तक इसको लगाते जाएं और फिर बालों को एकदम से सीधा ही छोड़ दीजिए। अगर आप नॉर्मली लगाना चाहते हैं तो आप बन भी बना सकते हैं इसका, यानी कि बालों को टाई कर लीजिए, जूड़ा बना लीजिए और फिर 1 या 2 घंटे के बाद अपने हेड को वॉश कर लीजिए, तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इसका, आपके बाल एकदम से शाइनी एंड ग्लोसी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए मेरी वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। Bye-bye.